नमस्कार, कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले के बरोठा में मेले में रावण दहन हुआ है। यहाँ इस बार आचार संहिता के चलते गोलियां नहीं बरसाई गई है। दरअसल ग्राम पंचायत बरोठा में दो दिवसीय मेले के दूसरे दिन ग्रामीणों ने यहाँ पर काफी खरीदारी की है। मेले में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मनिहारी की दुकानें भी सजाई गई थी। यहाँ पर महिलाओं ने काफी मात्रा में खरीदारी की है। वहीं यहाँ पर ग्रामीण भी पहुंचे हैं और मेले का आनंद लिया है। मेला कमेटी का अध्यक्ष ठाकुर मदन सिंह सोलंकी, पटेल रंगलाल गायरी, सरपंच जुजारलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी शिव सिंह एवं सकल पंचों की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते रावण को इस बार पटाखे लगाकर और लंबी लकड़ी से इसकी नाभी और मुंह को छलनी किया गया है। यहाँ पर इससे पूर्व गांव के राम जानकी मंदिर से निशान यात्रा निकली है, जो रावण दहन स्थल पर पहुंची है। यहाँ मेला प्रांगण में पारंपरिक नृत्य हुआ है। वहीं शाम को 6 बजे बाद रावण के पुतले को लंबी लकड़ी और पटाखे से छलनी किया गया है। यहाँ पर मौके पर हथुनिया थाने पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा है और ग्रामीण महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। मेला कार्यक्रम शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुआ है। वहीं रात्रि में नीमच मध्य प्रदेश की ऑर्केस्ट्रा पार्टी द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई है, जिसमें आसपास के ग्रामीण काफी संख्या में मौजूद रहे। वहीं यहाँ पर प्रस्तुतियों में मेलार्थियों ने आनंद लिया है और मेले का आयोजन मेला कमेटी, सकल पंच, स्थानीय ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़।